अब देखो बच्चों, रूल्स ऑफ प्लस आई, आपको प्लस आई के रूल्स जानने चाहिए कि प्लस आई के रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल है ऑल एनायंस आर प्लस आई। जितने भी एनायंस हैं सब प्लस आई हैं, जैसे कि ओ माइनस, ये प्लस आई है। आप और एग्जांपल ले लो, सी डबल ओ माइनस, ये प्लस आई है। ये आपके पास कार्बोक्सिलेट होता है और ये प्लस आई है। तो ऑल एनायंस आर प्लस आई। दूसरा रूल है प्लस आई पावर ऑफ एनी एनायन इज ग्रेटर देन प्लस आई पावर ऑफ एनी न्यूट्रल। कोई भी प्लस आई हो अगर वो एनायन है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो बच्चों, प्लस आई पावर ऑफ ओ माइनस इज ग्रेटर देन प्लस आई पावर ऑफ दिस CH3 CH3 CH3, ऐसा है। तीसरा रूल, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई। सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई हैं। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो हमेशा प्लस आई ही आएगा। और फिर फोर्थ रूल जो आता है वो क्या है, प्लस आई पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग या नंबर ऑफ ब्रांचेस। हमेशा प्लस आई पावर ब्रांचेस पर डिपेंड करती है। अगर ब्रांचेस को देखो, यहां पर CH3 और CH2 CH2 और CH2 और CH2 है, ऐसा है। और यहां पर केवल अगर ऐसा ही है तो इसकी पावर, क्योंकि इसमें देखो ना ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस ज्यादा हैं तो इसकी पावर हमेशा ज्यादा होगी, और इसमें ब्रांच ही नहीं तो इसकी पावर कम हो जाएगी। फिफ्थ पर क्या आएगा बच्चों, ब्रांचेस अगर सेम है, इफ नंबर ऑफ ब्रांचेस आर सेम, देन उस केस में क्या होगा, प्लस आई पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर चला जाएगा। अब आगे देखो, इसका एग्जांपल भी मैं कराता हूं आपको।
इसका एग्जाम्पल भी मैं कराता हूं। अगर ब्रांचेस सेम हो जाती हैं, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, ये उल्टा है, कार्बन देखो यहां पर दो कार्बन है, आप में से कोई बोला नहीं, यहां पर दो कार्बन, यहां पर तीन कार्बन आ गया। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव आई पावर इंक्रीज करेगी। यहां पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और यहीं पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर। ये बच्चों 5 रूल्स यहां पर ये आपको काम करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। ओके।